स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 या फिर स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2। तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 वर्सेज स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर, जो मतलब कि कौन सा पावरफुल है, कौन सा तगड़ा प्रोसेसर है। तो हम बात कर लेते हैं अभी इनमें से। तो जो स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 है, ये मतलब कि काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब कि काफ़ी पावरफुल एफिशिएंट प्रोसेसर माना जाता था। मतलब कि इसमें आप कैसे ही गेमिंग वेमिंग करो, कुछ भी करो, आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। मतलब इस कैमरे में सभी में आपको टॉप नॉच देखने को मिलता। मतलब इसमें काफ़ी रिकॉर्डिंग के फीचर भी ऐड किए हैं, कैमरा के फीचर काफ़ी तगड़े ऐड किए हैं। हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर, तो ये अभी जो नया आया है, मतलब कि कस्टमाइज अच्छे से नहीं हुई इसकी, तो अच्छे से कस्टमाइज हो जाएगा तो स्नैपड्रैगन 8 Plus का अपग्रेड हो जाएगा। मतलब न्यू आ गया है, काफ़ी पावरफुल है स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 से। स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2 काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, मतलब दोनों ही 5G प्रोसेसर है, मतलब पावरफुल प्रोसेसर। मतलब जो 8 Plus Gen 1 में थे, उससे काफ़ी बढ़िया गेमिंग इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। सभी में आपको मल्टीटास्किंग वगैरह सभी में आपको काफ़ी बढ़िया देखने मिलेगा, कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह सभी में टॉप नॉच देखने मिलेगा 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर। 5G प्रोसेसर ही दोनों, मतलब ज़्यादा पावर मिलती है आपको स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर में। तो ये सभी, तो हम बात कर लेते हैं ये प्राइस। जो 8 Plus Gen 1 आता था, वो आता था मतलब कि 35 से 40 हज़ार के अंडर मोबाइलों में आता था, मतलब कि पावरफुल प्रोसेसर देखने में मिलता था। तो अभी प्लस टू आ गया है 8 Plus 2, मतलब कि 1-1.5 लाख के राउंड वाले मोबाइलों में आता है। तो अभी सैमसंग का S23 Ultra है, इनमें से भी यूज़ किया गया है ये स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2। तो जो मतलब कि 50 हज़ार के जो मतलब ये मानते हैं 45-40, इनमें आपको 8 Plus Gen 2 8 Plus Gen 1 देखने को मिलता, जो बड़े मतलब ये 65-70-85-80-90 1-1.5 लाख के अंदर आपको 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर देखने पावरफुल। तो मतलब कि सबसे पावरफुल मिलता आपको 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता, जो कि 8 Plus Gen 1 काफ़ी कम परफॉर्मेंस देता है प्लस टू के मामले में। तो इसमें अंत तो स्कोर की बात करते हैं, मतलब 8 Plus Gen 2 का भी 1 बिलियन के करीब आता है, जो 8 Plus Gen 2 प्रोसेसर 5G, तो इसमें आपको 1.5 लाख मिलियन के करीब आपको देखने को मिलता है अंत तो स्कोर, जो काफ़ी तगड़ा पावरफुल है। तो मतलब कि हम 1 Plus जो 8 Plus Gen 1 है, इसकी कंपेरिजन 8 Plus Gen 2 से नहीं कर सकते, जो कि 8 Plus Gen 1 है वो अपग्रेड करके 8 Plus Gen 2 बना दिया गया है। मतलब ये पावर उसी में ज़्यादा आपको देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 2 में। तो ये सब था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब तो बेल का बटन दबा देना, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।